हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्वेरियस गार्डन में। तो मैं आज आपको सबसे पहले आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। मेरे टेरेस पर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, मैं उनके नाम भी शेयर करूँगी और फ्लावर भी बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं आप सबसे पहले पर्सलिन दिखा रही हूँ। देखिए कितना बिग साइज में फ्लावर है। इनके कई रंग होते हैं, तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा सा फ्लावर। सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी कई फ्लावर परचुला का अभी नहीं खिले हैं। सबसे पहले पर्सलिन तो खिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, ये एक छोटा सा सीड से उगा हुआ प्लांट है। ये मैंने इसको बॉटल में कट करके लगाया है। तो देखिए, ये मेरा कॉस्मोस का प्लांट और इसका फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत। इनमें कई रंग होते हैं, ये सीड्स भी बन जाते हैं। कॉस्मोस में 2 वैरायटी होती है। इनके लीफ देखिए कितने बारीक लीफ वाले होते हैं। ये बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं और इसमें मिनी बक्का टैग भी होता है। इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए, बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं ये। इनके लीफ बहुत ही नाजुक होते हैं और ये वाइट कलर में है। अभी फ्लावर खिला नहीं है। तो देखिए, ये मेरा कटिंग से बना हुआ है अलमंडा का फ्लावर, कितना बिग साइज में। और भी बर्ड्स हैं इसमें, आप भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं रेनी सीजन में। देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं मेरे परचुला का पर कितने अच्छे से फ्लोरिंग हो रही है। इनमें भी कई रंग होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, वाइट, पिंक, डार्क पिंक। देखने में बहुत ही सुंदर, हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो आप देख सकते हैं ये कॉस्मोस का प्लांट है, ये दूसरी वैरायटी में। इनके लीफ देखिए बहुत ही सुंदर होते हैं, ये बारीक लीफ वाले नहीं, ये दूसरी वैरायटी होती है। इनमें भी ऑरेंज, येलो, लाइट येलो, इनमें भी देखने को कई रंग मिल जाएंगे आपको। इनके भी सीड्स बनते हैं, सीड से दूसरा प्लांट बना सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं इनके फूल, सीड्स भी बनते रहते हैं। मेरा हिबिस्कस का फ्लावर, बहुत अच्छे से फ्लोरिंग होती है इसमें। एक ही पॉट में मैंने 2 प्लांट को लगाए हैं। तो देख सकते हैं दूसरा फ्लावर बहुत अच्छे से फ्लोरिंग हो रही है। तो ये मेरा पिंक वाला हिबिस्कस है, इनमें भी देख सकते हैं आप फ्लोरिंग बहुत अच्छे से, इसमें भी फ्लोरिंग होती है हिबिस्कस। इनमें भी फंगस का अटैक होता है, पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए, बहुत ही अच्छे फ्लोरिंग होती है। वाइट, पिंक, रेड, देसी वैरायटी में ज़्यादा कलर तो नहीं, पर पिंक बहुत ही अच्छा लगता है। अब देख सकते हैं कितने ढेर सारे बर्ड्स, बहुत ही अच्छे से फ्लोरिंग होती है। पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहिए, नहीं तो फंगस का अटैक हो जाता है। तो देखिए मेरे विंका का प्लांट, इनमें भी कई रंग होते हैं, सीड्स बनते हैं, सीड से दूसरा प्लांट बन जाता है। सदाबहार हमेशा इसमें फ्लोरिंग होती ही रहती है, बहुत अच्छे से, देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं इनके फूल। मेरा मोगरा का प्लांट है ये, तो देख सकते हैं मोगरे में कितने अच्छे से फिर फ्लोरिंग, डबल पैटर्न वाला मोगरा है ये। ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है ये। ये सिंगल पैटर्न वाला मोगरा है ये, ये भी कटिंग से लगा हुआ है। बहुत ही अच्छे से फ्लोरिंग होती रहती है, आप भी इसको रेनी सीजन में कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट है ये, सन लविंग प्लांट है। तो ये मेरा बगीचे में लगा हुआ लेमन प्लांट है,
बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसमें फ्रूटिंग भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। ढेर सारे नींबू लगे हुए हैं, तो देखिए इसके कई लेमन मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। ये भी सन लविंग प्लांट है, हार्डी प्लांट है, और फ्रूट लगते ही इसमें थोड़ा सा पानी की रिक्वायरमेंट कम कर दीजिए, नहीं तो आपके फ्रूट गिर जाएंगे। और इसमें देखिए ये पर्सलिन का प्लांट सीड से उगा है, इसको मैं निकाल के अलग कर दूंगी। देखिए इसमें फ्लोरिंग भी हो गई है इधर साइड्स में, इधर देख सकते हैं आप छोटे छोटे पर्सलिन के प्लांट सीड से उगे हुए हैं। तो अब देखिए सनफ्लावर का प्लांट बहुत ही देखने में सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है, सीड से उगा हुआ प्लांट है ये। इसमें गोवा का प्लांट मिला हुआ है, ऑलरेडी तो था, इसमें सीड्स पड़ने से ये प्लांट आ गया है, बहुत ही अच्छे से इतना बिग साइज में फ्लावर। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में तिरंगा लहरा रहा है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मिलते हैं एक नई टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।